एवरीबॉडी, मेरा नाम है कामिनी सिंह और आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 6 का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। पोषण वाला जो पोर्शन है आपका, उसमें से हम एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, जितने बचे हुए एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले 17वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 to 16 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले देखिए और फिर वापस आइए इस वीडियो पर। क्वेश्चन है, डैश कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, यानी कि पूरा का पूरा पाचन कहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। ऑप्शंस है अमाशय यानी कि पेट, जिसे आप जानते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, मुंह, शुद्रांत या फिर बृहद्रांत। तो हमें पता है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, लेकिन जो पूरा पाचन है इन तीनों का वो खत्म कहां पर होता है, पूर्ण पाचन कहां होता है? ऑप्शन नंबर सी, शुद्रांत, या फिर हम इसे छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो लंबा वाला हिस्सा है, सबसे ज्यादा जो बड़ा हिस्सा होता है हमारे पाचन तंत्र का, वहां पर तीनों का ही पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रुद्रांत भोजन को पचाने के लिए कहाँ कहाँ से श्रावण प्राप्त करती है, यानी कि कहाँ कहाँ से उसमें जूसेस और बाकी सारी चीजें आती हैं वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्न्याशय, तीसरा है ए और बी दोनों यानी कि ऊपर वाले दोनों, और चौथा है बृहद्रांत। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको आंसर पता चल ही गया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि यकृत से भी श्रावण आता है वहां पर, यानी कि कुछ जूसेस आते हैं, और अग्न्याशय से भी आते हैं, बाकी जो हमारा छोटी आंत है वो खुद भी कुछ चीजें सिक्रीट करता है, ठीक है। बृहद्रांत तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसके बाद वो उस हिस्से में जाता है और वहां पर सिर्फ पानी और कुछ खनिज का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। तो इस हिस्से में यहाँ पर हमारा लिवर और इस तरफ पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय और लिवर यानी कि यकृत। तो यहाँ से हमें जूसेस मिलते हैं, कहाँ पर, श्रुद्रांत में आते हैं, ठीक है, जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश से पित्तरस स्रावित होता है, यानी कि पित्तरस जो है वो कहां से स्रावित होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आमाशय, बी है यकृत, श्रुद्रांत या फिर अग्न्याशय। तो आमाशय के हम क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया आपको पार्ट वन में हमने आमाशय से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। तो इसमें से तीन चीजें निकलती हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आमाशय में से तीन कौन सी चीजें स्रावित होती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, यानी कि यकृत में से हमें पित्तरस मिलता है, जो कि आकर कहां मिल जाता है, छोटी आंत में, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यकृत। क्वेश्चन नंबर 20, पित्तरस इनमें से कौन से कार्य में मदद करता है। अभी हमने जान लिया कि यकृत से निकलता है, ठीक है, यकृत से स्रावित होता है। अब हमें ये बताना है कि ये इसके कार्य क्या है, किस चीज में मदद करता है। पहला है वसा का एमल्सिफिकेशन, दूसरा है बी भोजन को क्षारीय बनाना, यानी कि एक होता है अम्लीय, ठीक है, तो अम्लीय ना करके ये इसको क्षारीय में परिवर्तित कर रहा है। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने बुक में पढ़ा होगा पित्तरस क्या करता है, बड़े बड़े जो वसा के कण होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो कण होते हैं उसको छोटे में परिवर्तित कर देता है, ताकि लाइपेज एंजाइम जो वसा को पचाने में मदद करता है वो आसानी से उसको पचा सके। और इसके अलावा इसका काम ये भी है कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों? क्योंकि अम्लीय भोजन हमारे पेट से आ रहा है, वहां पर हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था तो वो भोजन को अम्लीय बना रहा था, अब इसे फिर से क्षारीय करना है। क्यों? ताकि लाइपेज एंजाइम, बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो अच्छे से अपना कार्य कर सके। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा है, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि जो आपके ऑप्शंस हैं ए बी,
सी डी, सारे ऑप्शंस पढ़िए और तभी जवाब दीजिए, क्योंकि आप पहला आंसर पढ़ के बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये तो बिल्कुल सही है, आप टिक करके आ जाएंगे, लेकिन अगला भी सही है, तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं, यानी कि ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम है, लाइपेज नाम का एंजाइम है, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? ऑप्शन है आमाशय, यकृत, शुद्रांत या फिर अग्न्याशय। तो आमाशय में से हम जानते हैं क्या स्रावित होता है, पेप्सिन, ठीक है। इसके अलावा यकृत में से हमने अभी देखा कि क्या स्रावित हो रहा है, पित्तरस। शुद्रांत में से इसी के जूसेस स्रावित होते हैं, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय, जिसमें से अग्न्याशय रस आता है और जिसमें कि ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिप्सिन डैश का तथा लाइपेज डैश का पाचन करने में मदद करते हैं, यानी कि ट्रिप्सिन क्या पचाने में मदद करता है और लाइपेज क्या पचाने में मदद करता है, हमें ऑप्शंस देख के बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, बी वसा तथा प्रोटीन, सी प्रोटीन तथा वसा और डी कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रिप्सिन के आगे जो होगा वो हमारा पहले आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रिप्सिन को किसको पचाने में मदद करता है, प्रोटीन को। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, देखिए सिर्फ एक में ही प्रोटीन पहले दिया हुआ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल कट जाएंगे। इसके लिए वे क्या था, सेलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमें किस में मिलता है, हमारे मुंह में, ठीक है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट, वहीं पर उसका पाचन शुरू हो जाता है। ट्रिप्सिन का पाचन, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन और लाइपेज मदद करता है वसा में। आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आगे पीछे दिया हुआ है, पर ध्यान रखिए पहले पढ़िए, ट्रिप्सिन के आगे क्या आएगा वो पहला हमारा ऑप्शन होगा और लाइपेज के आगे जो आएगा वो दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्रांत में उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, जो कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें से देखिए, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्रांत में जो उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं वो किसमें मदद करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ऑप्शंस हैं कूपिका, वृक्राणु, दीर्घ रोम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कूपिका किससे रिलेटेड है, ये है श्वसन से रिलेटेड, ठीक है। वृक्राणु किससे रिलेटेड है, ये हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है उत्सर्जन, उससे रिलेटेड है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ रोम। तो इसमें इस तरह छोटे छोटे उंगली नुमा दीर्घ रोम होते हैं हमारे छोटी आंत के अंदर, और ये क्या कर रहे हैं, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी, कौन क्या कर रहा है। अब ये देखिए, ये आपके आ गए सैंपल पेपर के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सैंपल पेपर क्योंकि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया है हिंदी में, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में 1, 2 और 3 जगहों में से कौन सा एंजाइम स्रावित होगा, उसे पहचानिए। देखिए एक, ठीक है, यहाँ पर ये मुंह पे एरो बना हुआ है, तो हमें बताना है कि मुंह से कौन सा एंजाइम स्रावित होगा। फिर यहाँ पर बना हुआ है आमाशय के ऊपर, और तीसरा है यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें ये होना चाहिए हमारे अग्न्याशय के ऊपर, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे क्या है आंसर। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग, हम सीधा आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। एमाइलेज जिसमें होगा, देखिए यहाँ पर भी जो दिया हुआ था सिर्फ एक में एमाइलेज था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली सही हो गया। हमें बस याद होना चाहिए कहाँ से कौन से एंजाइम निकलते हैं, सिर्फ 4 एंजाइम्स के बारे में बात की गई है। एमिलेज निकलेगा मुंह से, ठीक है, पेट यानी कि आमाशय से निकलेगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलेंगे कहाँ से, पैंक्रियाज में से, ठीक है, पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय में से। तो सिर्फ 4 एंजाइम याद करने हैं, वो किसके पाचन में मदद करते हैं वो याद करना है, और वो कहां पर होते हैं, कहां से स्रावित होते हैं ये याद करना है। ये देखिए, ये 13वां क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर का। रंध्र छिद्र का खुलना एवं बंद होना इनमें से किस पर निर्भर करता है। पिछले वीडियो में हमने रंध्र छिद्र और उसका किस पर निर्भर करता है, उसका खुलना बंद होना, उसके बारे में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है वायुमंडलीय तापमान, दूसरा है रंध्र छिद्र के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा, रंध्र छिद्र के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, या फिर द्वार कोशिका में पानी की मात्रा।
देखिए, हमने डिस्कस किया था जब हमने यहाँ पर इस तरीके का एक डायग्राम देखा था, ये रन छिद्र वाला डायग्राम। ये जो है द्वार कोशिका है, ठीक है, ये जो दो दिखाई दे रही हैं, इसमें जब पानी भर जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और ये जो हमारा रन छिद्र है उसको खोल देती हैं। जब इसमें से पानी निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, और ये रंध्र छिद्र को बंद कर देती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, द्वार कोशिका में पानी की मात्रा पर निर्भर करता है कि रंध्र छिद्र खुलेगा या फिर बंद होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सैंपल पेपर में से, इसको पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन से जीव भोजन का विघटन शरीर से बाहर ही कर देते हैं। देखिए पूरा का पूरा आपका चैप्टर से ही सीधा सेंटेंस उठा लिया गया है, आपको चैप्टर की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम सेम लाइन। यहाँ पर अंग्रेजी में भी जो बुक से बच्चों ने पढ़ा है, हिंदी में भी सेम लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। बाहर ही कर देते हैं और तब उनका अवशोषण करते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे जीवों के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन है मशरूम, फफूंदी या यीस्ट, मशरूम, हरे पौधे या अमीबा। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हरे पौधे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। पैरामेशियम, अमीबा या अमरबेल, ये भी बिल्कुल गलत है, अमरबेल आ गया यहाँ पर। और फिर इसके बाद है अमरबेल, अमीबा या फिर लीच, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर एक, मशरूम, यीस्ट और फफूंदी ऐसे होते हैं जो कि विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं भोजन का और फिर उसको अवशोषित करते हैं, यानी कि फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, बुक पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी जो आपकी किताब है हिंदी में, साइंस की जो दी हुई है, विज्ञान की किताब, उसका जो जितने चैप्टर्स आपके, शायद सिर्फ 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से बार बार उनको पढ़िए और वहीं से आपके सवाल बनेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, एक क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा था उसका आंसर करें, बाकी अगर आपको कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।